वेलकम टू व्याख्या यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीटेट जुलाई 2023 के बारे में। इसका जो है नोटिफिकेशन आ चुका है, राइट। और इसमें जो है हम बात करेंगे कि इसकी लास्ट डेट क्या है, फ़ी क्या रहेगी, एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा, ठीक है, शिफ्ट कौन कौन सी रहेंगी और इसमें जो है आपकी एलिजिबिलिटी क्या रहेगी। तो ये सारी डिटेल जो हम इसमें बात करने वाले हैं। वीडियो के नीचे मैंने एक लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर आप जाएंगे तो आपको ये पोस्ट जो है यहाँ पे शो होगी। यहाँ पे एक ब्रीफ इन्फॉर्मेशन दी हुई है, ठीक है, सारी की सारी डिटेल में नहीं है यहाँ पे। देन इसको आप देखेंगे तो यहाँ पे डेट्स दी हुई हैं और इसके नीचे दो लिंक दिए हुए हैं। तो एक है पब्लिक नोटिस, ठीक है, एक है इन्फॉर्मेशन बुलेटिन जो कि सीटेट जुलाई 2023 के लिए। आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आप जो है लिंक पर पहुँच जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर जो है ये आपका पब्लिक नोटिस आ जाता है और यहाँ पर जो है ये आपका बुलेटिन आ जाता है इसका, सीटेट जुलाई 2023 के लिए। और ये दोनों आप डायरेक्ट भी डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ से सीटेट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पे आप जाएंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे इस सेक्शन के अंदर जो है न्यूज़ एंड इवेंट और पब्लिक नोटिस के अंदर जो है यहाँ पे आपको ये PDF जो है दिख जाएंगे, राइट। तो चलिए अब बात कर लेते हैं इसके नोटिफिकेशन के बारे में। यहाँ पे एक पब्लिक नोटिस जो दिया गया था ये 25 अप्रैल 2023 को दिया गया था। यहाँ पे एक ब्रीफ इन्फॉर्मेशन दी गई है आपके कैटेगरी वाइज जो फ़ी रहेगी उसकी, डेट्स की, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। एंड अब सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं हम कि इम्पोर्टेंट डेट्स जो हैं वो क्या क्या हैं इसकी। तो आप नीचे आएंगे तो वहाँ ऊपर भी दी हुई थी डेट्स और यहाँ नीचे भी दी हुई हैं, तो आप देख पाएंगे। तो यहाँ पे ड्यूरेशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, मतलब जो आप फॉर्म फिल कर पाएंगे वो 27 अप्रैल 2023 से लेकर 26 मई 2023 के अंदर ये आप कर पाएंगे, ठीक है। ये डेट निकलने के बाद आप नहीं कर पाएंगे, बट फ्यूचर में अगर कोई डेट एक्सटेंड होती है तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके ज़रूर देखें, राइट। लास्ट डेट जो है इसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करने की वो है 26 मई, ठीक, रात तक है। उसके बाद लास्ट डेट जो है फ़ी सबमिट करने की वो भी सेम डेट है जो आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन की है, लाइक 26 मई 2023। उसके बाद डेट ऑफ एग्जामिनेशन जो रहेगी वो जुलाई और अगस्त के अंदर कोई भी डेट हो सकती है, वो आपको आगे जो है पता लग जाएगा डायरेक्ट मैसेज के थ्रू या ईमेल के थ्रू, ठीक है, या फिर आप ऑफिशियल वेबसाइट पे भी देख सकते हैं इनके रेगुलर अपडेट्स। देन उसके बाद ये हमारी बात हो जाती है डेट से रिलेटेड। तो आपको ध्यान रखना है इसके अंदर जो है आप कोशिश करें कि पहले ही 10 दिन के अंदर आप एप्लीकेशन फॉर्म को जो है फिल कर पाएँ, जिससे कि डिले ना हो, ठीक है। यहाँ पे स्टेप्स बताए हुए हैं कि क्या आप किस तरह जो है इसको सबमिट कर सकते हैं, स्टेप 1, स्टेप 2, 4, 5 एंड सो ऑन, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पे जाएंगे तो आप देख पाएंगे यहाँ पे अपलोड जो इमेजेस करने होती हैं हमें उसको किस तरह स्कैन करना है, कितना साइज़ रखना है, तो ये सारी चीज़ें। कोई दिक्कत होती है आप जो है वीडियो के नीचे कमेंट करके जो है आप बता सकते हैं, तो कोशिश करेंगे उस पर भी जो है आपको हेल्प की जाए बाय कमेंटिंग और न्यू वीडियो, राइट। यहाँ पे आप फ़ी की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे जनरल OBC इन सब के लिए जो है वो 1000 है, ओनली पेपर 1 और 2, मतलब इन दोनों में से कोई भी एक पेपर आप फिल करते हैं तो उसके लिए 1000। और SC ST और एबल्ड पर्सन के लिए जो है 500 है, ठीक है, जो डिफरेंसली एबल्ड पर्सन होते हैं उनके लिए 500 रुपये है। और उसके बाद यहाँ पे अगर आप दोनों ही फॉर्म फिल करते हैं, मतलब दोनों ही पेपर के लिए आप फॉर्म फिल करते हैं, तो जनरल और OBC के लिए जो है 1200 है, यहाँ पे 200 रुपये बढ़ जाते हैं, और SC ST और डिफरेंसली एबल्ड पर्सनस के लिए यहाँ पे 600 हो जाती है, जो कि 100 रुपये बढ़ जाते हैं, ठीक है। देन यहाँ पर आप देख पाएंगे तो ये डाउनलोडिंग ऑफ कन्फर्मेशन पेज, यानी कि जब आप ये सब फिल कर देते हैं देन उसके बाद जो है आपको एक कंफर्मेशन पेज डाउनलोड करके रखना होता है और उसको आपको सेंड नहीं करना, बस आपको अपने पास रखना होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको जो भी डिटेल रहती है आपकी, नेम, फादर नेम, मदर नेम एंड डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, वो आपके क्लास 10th सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो इसमें अगर कोई भी गलती पाई जाती है या कुछ भी मतलब मिस्टेक रहती है आपके फॉर्म में, ठीक है, और 10th सर्टिफिकेट में, तो उसमें ये आपका बताया जा रखा है कि यहाँ पे कोई भी रिक्वेस्ट नहीं ली जाएगी, राइट। तो इसलिए पहले ही आप देख लें देन उसके अकॉर्डिंग ही आप फिल करें जो आपकी करेक्ट है। उसके बाद अगर हम नीचे आएंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे ये आपका जो है यहाँ पे
स्केड्यूल जो है, मोड ऑफ एग्जामिनेशंस जो है वो यहाँ पे बताया गया है कि जुलाई और अगस्त के बीच में आपका ये एग्ज़ाम होगा। तो यहाँ पे शिफ्ट वन जो रहेगी वो 9:30 से लेकर 12 बजे दोपहर तक रहती है, ठीक है। कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन रहेगा, 2.5 घंटे का ये पेपर होता है पहला। सेकेंड जो है वो है आपका 2:30 से लेकर 5, शाम के 5 बजे तक, ठीक है। तो ये भी CBT रहेगा और 2.5 घंटे का रहेगा। अब मोस्टली जो रहता है वो आपका जो शिफ्ट वन रहती है वो फर्स्ट पेपर के लिए रहती है, और शिफ्ट टू रहती है वो सेकंड पेपर के लिए रहती है। फिर भी आपको जो है एडमिट कार्ड में एक बार चेक करना है, ठीक है। यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म और फी सबमिट के लिए बता दिया गया है। यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्या है, मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर अपियरिंग इन CTET जो है वो रहता है बाय NCTE के अकॉर्डिंग, राइट। तो यहाँ पे जो है NCTE की भी जो है यहाँ पे वेबसाइट दी हुई है, तो यहाँ पे भी जाके आप अपनी एलिजिबिलिटी और ये सारी चीज़ें डिटेल में देख सकते हैं। बट यहाँ पे जो है पॉइंट वाइज दी हुई है, ठीक है, तो वो आप यहाँ से भी आप देख सकते हैं। देन उसके बाद यहाँ पर स्ट्रक्चर एंड कंटेंट ऑफ CTET जो है वो क्या रहेगा। पेपर वन जो रहता है, ठीक है, उसमें क्या रहता है, वो टीचर्स के लिए रहता है, उनके लिए जो क्लास मतलब 1st से लेकर 5th तक पढ़ाते हैं बच्चों को, उनके लिए पेपर वन रहता है, जिसे हम प्राइमरी भी कहते हैं, ठीक है। सेकंड जो रहता है वो हमारा क्लास 6 से लेकर 8 तक के बच्चों के लिए रहता है पेपर, ये राइट। तो यहाँ पे जो है आपका जो पेपर वन रहता है, ठीक है, 1st से लेकर 5th क्लास तक के बच्चों के लिए, प्राइमरी स्टेज जिसे कहते हैं, तो यहाँ पे ये 2.5 घंटे का रहेगा। इसमें क्या क्या सब्जेक्ट रहते हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट, पैडागॉजी, ठीक है, ये कंपलसरी है इसका। 30 क्वेश्चंस होंगे MCQ टाइप के, 30 नंबर का रहेगा। उसके बाद लैंग्वेज वन है जो कि कंपलसरी है, कोई भी मतलब लैंग्वेज वन में आप सिलेक्ट करेंगे आपके अकॉर्डिंग जो भी लैंग्वेज है, ठीक है। 30 MCQ क्वेश्चंस रहेंगे, 30 मार्क्स का रहेगा। इनकी बुक्स अगर आप चाहते हैं, उनका लिंक, इंपॉर्टेंट जो इनके लिए बुक्स हैं वो आप वीडियो के नीचे लिंक देखेंगे तो वहाँ पे आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो देन वहाँ से जो है आप चेक कर सकते हो, वहाँ से परचेज कर सकते हो ऑनलाइन। उसके बाद है सेकंड लैंग्वेज जो कि कंपलसरी है, जो कि 30 MCQ रहेंगे इसके भी, और 30 ही इसके नंबर रहेंगे। मैथमेटिक्स जो है वो है 4th सब्जेक्ट, जिसमें 30 MCQ रहेंगे और 30 ये नंबरों का रहेगा। उसके बाद एनवायरमेंटल स्टडीज़ है, वो भी 30 क्वेश्चंस हैं और 30 नंबरों का है। तो 150 MCQ हो जाते हैं और 150 नंबर का ये पेपर हो जाता है, राइट। तो ये हमारा पेपर वन के लिए हो गया। यहाँ पर लैंग्वेज और उसके कोड दिए हुए हैं, राइट, जो कि 2 लैंग्वेज हैं वो आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद पेपर टू की बात कर लेते हैं। तो पेपर टू में क्या रहता है कि जो कि क्लास आपकी 6 से लेकर 8 तक के बच्चे रहते हैं, उसे हम एलिमेंट्री स्टेज कहते हैं। तो यहाँ पर ये भी 2.5 घंटे का रहता है, और यहाँ पे जो है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी है, वो 30 MCQ हैं और 30 नंबरों का है। लैंग्वेज फर्स्ट कंपलसरी है, 30 MCQs होंगे, ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, और 30 नंबरों का रहेगा ये। उसके बाद लैंग्वेज सेकंड जो है वो भी कंपलसरी है, 30 MCQs हैं, 30 नंबरों का है, ठीक है। मैथमेटिक्स एंड साइंस, ये एक कैटेगरी हो जाती है मैथमेटिक्स एंड साइंस वाली। तो ये इसमें क्या होगा, ये 60 MCQs होते हैं इसमें, और 60 नंबरों का ही जो है ये सेक्शन रहता है। उसके बाद सोशल स्टडी और सोशल साइंस, इसका मतलब यह है जो बच्चे साइंस वाले हैं, ठीक है, तो उन्हें तो अपना ये देना होता है सेक्शन मैथमेटिक्स एंड साइंस वाला। तो ये आपका 60 क्वेश्चंस हो जाते हैं इसके। अगर आप आपने जो है आर्ट्स में किया हुआ है तो आपका सोशल स्टडीज़ एंड सोशल साइंस हो जाता है। तो उसके लिए जो है आपको यहाँ से ये वाला सेक्शन चूज़ करना पड़ता है, और ये 60 क्वेश्चंस और 60 मार्क्स का रहता है। इन दोनों में से कोई एक ही आपका रहेगा, तो इसके अकॉर्डिंग जो है आपका 150 MCQs हो जाते हैं और 150 मार्क्स का ये सेक्शन मतलब पेपर हो जाता है, पेपर सेकंड, ठीक है। यहाँ पर भी लैंग्वेज जो है उसके अकॉर्डिंग आप कोड और नाम दिए हुए हैं, तो वो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, ठीक है। इंग्लिश और हिंदी में दोनों में ही ये पेपर रहता है, बाइलिंगुअल रहता है, ठीक है। क्वालिफाई मार्क्स जो है वो यहाँ पे आपको बताए हुए हैं कि ए पर्सन 60% लेता है, ठीक है, तो उसको जो है टेट पास माना जाता है, NCTE नोटिफिकेशन इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। स्कूल मैनेजमेंट, गवर्नमेंट बॉडीज़ और ये सारा कुछ यहाँ दिया हुआ है कि मे कंसीडर गिविंग
कंसेशंस टू द पर्सन्स बिलोंगिंग टू एस सी एस टी ओ बी सी डिफरेंसली एबल्ड पर्सन्स एक्सेट्रा। ठीक है, तो स्कूल मैनेजमेंट जो रहता है, ठीक है, या तो वो गवर्नमेंट हो, लोकल बॉडीज हो, गवर्नमेंट एडेड हो या अनएडेड हो, उनको कंसीडर करना पड़ेगा। ठीक है, कुछ कंसेशंस के अकॉर्डिंग एस सी एस टी ओ बी सी और डिफरेंसली एबल्ड पर्सन्स को। एंड यहाँ पर जो है वेटेज टू द सी टेट स्कोर इन द रिक्वायरमेंट प्रोसेस हाउ आर क्वालिफाइंग द सी टेट। इसमें क्या रहता है, कोई भी अगर रिक्रूटमेंट होती है किसी भी संस्थान में, ठीक है, टीचर्स की रिक्रूटमेंट होती है, तो उसमें जो है सी टेट को या सी टेट के स्कोर को जो है वेटेज दिया जाएगा। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग जो है वहाँ पर उनकी अपॉइंटमेंट की जा सकती है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि सी टेट क्लियर करने का मतलब है कि आप कहीं पे जॉब पक्का ही पा सकते हैं, राइट। उसके भी अलग प्रोसेस होते हैं सी टेट क्वालिफाइंग करने के बाद भी, देन और भी एग्जामिनेशंस होते हैं, देन आप फिर जॉब ले सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे जो है एप्लीकेबिलिटी बताई हुई है कि कहाँ कहाँ पे आप कर सकते हैं अप्लाई। स्कूल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट के वी एस एन वी एस, ठीक है, सेंट्रल तिब्बतन स्कूल, और जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ यूटीज चंडीगढ़, दादर, नागर हवेली, दमन दीव, अंडमान निकोबार, ठीक है, लक्षद्वीप एंड सिटी ऑफ दिल्ली, यहाँ पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं इसके अकॉर्डिंग। अनएडेड प्राइवेट स्कूल्स में भी कर सकते हैं, वो में एक्सरसाइज द ऑप्शंस ऑफ कंसीडरिंग द सी टेट। जो सी टेट कंसीडर करते हैं तो वहाँ पर भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप डिटेल में पढ़ेंगे तो ठीक है, अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसकी वैलिडिटी जो है पहले 3 साल हुआ करती थी, ठीक है। वैलिडिटी पीरियड ऑफ सी टेट क्वालिफाइंग सर्टिफिकेट फॉर अपॉइंटमेंट विल बी फॉर लाइफ टाइम फॉर ऑल द कैटेगरीज। तो ये आपको ये काफ़ी अच्छी चीज़ है कि अब ये जो है लाइफ टाइम हो गया। किसी के मार्क्स अच्छे आ जाते हैं तो ठीक है, बार बार नहीं देने की जरूरत है। अगर इम्प्रूव करना चाहते हैं मार्क्स में तो वो आप दे सकते हैं। और देयर इज़ नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द नंबर ऑफ अटैम्प्ट ए पर्सन कैन टेक फॉर एक्वायरिंग ए सी टेट सर्टिफिकेट। तो पर्सन हु हैज़ क्वालिफाइड सी टेट मे ऑल्सो अपियर अगेन फॉर इम्प्रूविंग हिज और हर स्कोर। मतलब वो बार बार भी दे सकते हैं, पहले कुछ लिमिटेड टाइम रहता था, ठीक है, कि इस टाइम तक ही आप सी टेट एग्ज़ाम दे सकते हैं, और मतलब ये लाइफ टाइम भी नहीं होता था, इसकी वैलिडिटी भी कुछ साल तक होती थी। बट अभी जो है ये काफ़ी अच्छा हो गया है, ये आप बार बार पॉइंट जो है काफ़ी अच्छा है, तो ठीक है, आप इसको ज़रूर ध्यान से देखें। एग्जामिनेशन सिटीज़ जो हैं वो उसके बारे में यहाँ पे बताया हुआ है, तो वो आपको आपके एडमिट कार्ड में ही मिल जाता है। फिर भी जब अगर आपको फॉर्म फिलिंग के दौरान जो है पूछे जाते हैं तो वहाँ पे आप डाल सकते हैं कि नियरेस्ट कौन सा आपका पड़ता है, ठीक है। एडमिट कार्ड के बारे में भी जो है वो आपको मैसेज या ईमेल के थ्रू बता दिया जाता है, फिर भी आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर भी चेक कर सकते हैं डेली बेसिस पर, ठीक है, मतलब आपका फॉर्म फिल होने के बाद जब उसके आसपास डेट आती है। तो यहाँ पर देर सेल बी नो री इवेल्यूएशन और रीचेकिंग ऑफ रिजल्ट। यहाँ पर कोई भी जो है रीचेकिंग और री एवेल्यूएशन टाइप का कुछ भी नहीं है, ठीक है, तो इसलिए इसके लिए जो है कोई भी करस्पेंडेंस नहीं लिए जाएंगे इसके अकॉर्डिंग। राइट, जब आप सी टेट क्वालिफाई कर लेते हैं तो ऑल द मार्कशीट जो रहती हैं आपकी इससे रिलेटेड कैंडिडेट, ठीक है, कैंडिडेट की, तो वो डिजिटल फॉर्मेट में ले सकते हैं डिजिटल लॉकर अकाउंट में। तो आपको डिजिटल लॉकर जो है अकाउंट बनाना पड़ेगा डिजी लॉकर में, ठीक है, तो वहाँ से जो है आप इसकी मार्कशीट को डाउनलोड कर सकते हैं और डिजिटली साइंड रहेगा ये, ठीक है, विद क्यूआर कोड। तो आई थिंक ये जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट आपकी जो है इंफॉर्मेशन मिल चुकी है। और यहाँ पर आप देखेंगे इसके नीचे ही जब आते हैं आप, तो यहाँ पर जो है पेपर वन की यहाँ पर डिटेल में जो है आपको सिलेबस दिख जाता है, जैसे चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी में, ठीक है, प्राइमरी स्कूल चाइल्ड के लिए ये सारे टॉपिक्स जो हैं वो आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम डिटेल में नहीं बताएंगे क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, वीडियो काफ़ी लंबी बन जाएगी। और ये लैंग्वेज का हो गया है, ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप किस तरह एग्जामिनेशन में आएगा। पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज एंड डेवलपमेंट, उससे रिलेटेड यहाँ पे सारी चीज़ें दी हुई हैं। लैंग्वेज सेकेंड आ गया, ठीक है, तो यहाँ पे जो है सारी चीज़ें जो है डिटेल में दी हुई है। मैथमेटिक्स के कौन कौन से कंटेंट हैं जो आपसे पूछे जाएंगे, राइट, इन पे फोकस आप ज़रूर करें। पेडागोजिकल जो इश्यूज हैं वो ज़रूर हैं हर एक सब्जेक्ट में, राइट। एनवायरमेंट स्टडीज़, तो इसके अंदर भी जो है ये सारी चीज़ें टॉपिक्स जो हैं रहेंगे।
पेपर सेकंड में भी यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं कि ये टॉपिक जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, या वीडियो को दोबारा से पोज करके या वापस से देख सकते हैं इसको। और इससे अच्छा है कि आप नोटिफिकेशन को प्रॉपरली पढ़ें तो वो बेटर रहेगा, राइट। तो यहाँ पे जो है ये सारी की सारी डिटेल जो है अच्छे से दी हुई है, और यहाँ पे मेन चीज़ जो है वो आपको किस तरह पढ़ना है, तो उसके लिए ये बताना चाहूँगा कि आपको सबसे पहले जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो है उनको आप रिवाइज़ कर लीजिए अच्छे से, ठीक है। आप दो तीन बार देंगे बिना पढ़े भी तो आपको पता लग जाएगा डायरेक्ट कि आपको कितना आ रहा है उसमें से और कितना नहीं आ रहा है। अगर आपको जितना आता है उस इसका मतलब है उसको पहले ना पकड़ें, ठीक है, जो नहीं आ रहा है उसको पहले प्रिपेयर करें, देन उसके बाद जो है जो आता है फिर उसको रिवाइज़ कर लें। फिर इस तरह जो है आप एक बार उनको कर लेंगे, फिर दोबारा से आप उस प्रीवियस ईयर पेपर को दें, ठीक है, आपका दोबारा परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा और दोबारा जो चीज़ नहीं आ रही उसको अच्छे से कर लें। फिर उसके बाद जब आप ये कर लेंगे, देन उसके बाद आप उन टॉपिकों को डिटेल में पढ़ें जो आपसे नहीं हो रहे थे, ठीक है। देन उसके बाद फिर आप प्रीवियस ईयर तो दे चुके हैं, ठीक है, देन उसके बाद आप मॉक टेस्ट दे सकते हैं या फिर दोबारा से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर रिवाइज़ कर सकते हैं। इससे फ़ायदा ये होगा कि रिपीट होते हैं काफ़ी सारे क्वेश्चंस और आपको एक एग्ज़ाम पैटर्न, एक उसके अंदर किस तरह क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वो सारा डिटेल में आपको ना एक आइडिया मिल जाता है, और आपको ना एक टॉपिक वाइज भी पता लग जाता है, अच्छा इस टॉपिक से इतने क्वेश्चंस बार बार पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो आपका जो है परफॉर्मेंस भी जो है काफ़ी अच्छा रहेगा फिर सीटेट के एग्ज़ाम में। और आपका सबसे बड़ी बात है टाइम मैनेजमेंट जो है एग्ज़ामिनेशन के अंदर जो होना चाहिए वो काफ़ी अच्छे से हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है ये और भी डिटेल में दिया हुआ था, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही है। कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चंस आप पूछना चाहते हैं, आप किस टॉपिक पे न्यू वीडियो चाहते हैं वो भी आप बता सकते हैं कमेंट करके वीडियो के नीचे। कोशिश करेंगे कि न्यू वीडियो जो है और भी न्यू नोटिफिकेशंस जो भी आएंगे उसकी वीडियोस भी आएँ, ठीक है, और जॉब रिलेटेड कोई भी नोटिफिकेशन या एग्जामिनेशन रिलेटेड कोई भी नोटिफिकेशन आएंगे वो ज़रूर आपको बताया जाए। टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें अभी, जैसे कि कोई भी न्यू नोटिफिकेशन आए तो हम वीडियो अपलोड कर पाएँ और आपके पास पहुंच सके वीडियो, ठीक है। और हमारी वेबसाइट पे भी जा सकते हैं, यहाँ पे मैंने आपको बताया है कि आप इसके रिगार्डिंग कोई भी आप टॉपिक वाइज अगर आप क्लासेस लेना चाहते हैं, ठीक है, तो 2-3 डेज की क्लासेस रहती है कोई भी सब्जेक्ट वाइज या कोई टॉपिक वाइज, तो आप यहाँ फॉर्म को फिल कर सकते हैं, देन वी विल कॉल यू, ठीक है, देन डिस्कस करेंगे कि क्या आप क्या पढ़ना चाहते हैं, किस टॉपिक को आप देखना चाहते हैं, ठीक है, उसके बाद जो है आगे हम बात करेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही है, मिलते हैं हम किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, जब तक के लिए बाय बाय।